सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी विधानमंडल बजट सत्र के 9वां दिन आज है। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में बजट 2023 को लेकर अपनी बातें रखी थी। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि सीएम को अपना आर्थिक सलाहकार तुरंत बदल देना चाहिए। उन्होंने कई अन्य आरोप भी लगाए। वहीं आज के सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश के आरोपों पर जवाब देंगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, विधानसभा में बजट सत्र का आज 9वां दिन है, वहीं कल अखिलेश यादव ने बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा था, वहीं आज सीएम योगी इसका जवाब देंगे। जी मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का आज कार्यकाल का 9वां दिन है। बात करें तो इस बार विधानसभा को काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि जो विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना है, उनकी तरफ से पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि जो तमाम विधायक हैं जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, 403 विधानसभाओं में से कहीं ना कहीं देखे मयूरी तो विभिन्न अलग अलग समस्याओं को लेकर आते हैं, उसको सदन पे पटल पर रखने को लेकर वो सभी विधायकों को बोलने की अनुमति दे रहे हैं। उसी क्रम में आपको बताया कि आपने देखा कि जहां चौथे और पांचवें दिन सदन देर रात तक चली, वहीं अगर बात की जाए तो कल 8वां दिन था। कल आठवें दिन अगर बात की जाए तो नेता विरोधी दल यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बजट को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। साफ तौर से देखा जाए तो प्रदेश के अंदर में चिकित्सा व्यवस्था की बेहतरी को लेकर उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को कई सारी कमियों से गिराया। बात की जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व में भी कई सारे इन्वेस्टमेंट समिट हुए थे एमओयू के माध्यम से, कहीं ना कहीं विज्ञापन आप बस चाहते हैं। तो उन्होंने अखिलेश से अगर बात की जाए तो कल के अपने सदन के जो भाषण था उसमें केंद्र सरकार और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार पर विज्ञापन से चलने वाली सरकार हुए आरोप लगाते हुए नजर आए। वहीं अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव के जो तमाम आरोप है उसका जवाब आज सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं कि जहां भारतीय जनता पार्टी इस बजट को कहीं ना कहीं कल्याणकारी और साथ ही जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी है जिसको लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है कि 2027 तक हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाएंगे, उसी को आपको बताया जा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट उसमें से एक साबित होगा। साथ ही साथ इस बार के बजट कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है और इससे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी छूने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज सदन के अंदर में नेता सदन जो तमाम विपक्ष के आरोप हैं, जो तमाम विपक्ष की मांगे हैं उसको लेकर क्या बात करते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आवारा पशुओं को लेकर लगातार विधानसभा से चुनाव से ही विपक्ष लगातार हमलावर होता रहा है। अगर बात करें तो पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह इन समस्याओं को लेकर बीते दिन जवाब दिए थे, मगर विधायकों के सवाल के बाद एक बार फिर जवाब देते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर बात की जाए मयूरी तो कल अखिलेश यादव अपने संबोधन में शिक्षा, चिकित्सा, किसानों की बदहाली जैसी समस्याओं को सदन पे पटल पे रखे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक लोकतंत्र की जो छाप है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर में देखने को मिल रही है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे की सहमति के साथ काम करते हुए नजर आ रहा है। जहां एक तरफ विधानसभा स्पीकर सतीश महाना के घर भोज में आमंत्रित के बाद पक्ष विपक्ष एक साथ खाना खाया, इससे भी कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की मिठास आई। वहीं अगर बात की जाए तो बेहद सौम्य और शालीन तरीके से पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं और सदन के यानी कि यस लॉबी के यानी कि सत्ता पक्ष के लोग उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए। जी विवांशु, अगर देखें तो सदन में कल अखिलेश यादव ने बजट को लेकर तमाम बातें रखी और सरकार को जमकर घेरा, आज सीएम योगी तमाम बातों का जवाब देंगे, तो किन मुद्दों को लेकर सीएम योगी अपना पक्ष रख सकते हैं आज? जी बीते दिन अगर बात की जाए तो आपने देखा नेता प्रतिपक्ष प्रयागराज मामले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पे हमलावर हुए थे, जिसके बाद एक उग्र रूप योगी आदित्यनाथ का देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे।
वैसे ठीक वैसे ही अगर बात की जाए तो सदन से पहले तमाम आरोप लगाए गए हैं, तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। इन सब मुद्दों को कहीं ना कहीं आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका जवाब देते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य का है, और इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष विधानसभा के अंदर में लगातार आवाज उठा रहा है। वहीं अगर बात की जाए मयूरी, तो जहां एक तरफ विधानसभा चल रहा है, दूसरी तरफ विधान परिषद के भी सत्र चल रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा समेत स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में, और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी नरेश उत्तम की अगुवाई में, यहाँ पे भी अगर बात करें तो विधान परिषद के अंदर में भी कहीं ना कहीं प्रदेश की समस्याओं को पटल पे रखा जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि इस सदन की कार्रवाई के बाद क्या बदलाव आते हैं। अगर बात की जाए तो तमाम योजनाएं चल रही हैं, तमाम कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश सरकार की तरफ से चल रही हैं, इसमें कितना बदलाव आता है, कौन सी नई योजनाओं को लाया जाता है, और जो सरकार के मैनिफेस्टो में दावे हैं, और जो सरकार बनने के बाद योगी सरकार 2.0 के आने के बाद कहा गया था कि मंत्री अपने 100 दिन के काम का खाका तैयार करेंगे, साथ ही उसके बाद 6 महीने का करेंगे, उसके ठीक बाद 1 साल का, तो कहीं ना कहीं सरकार को 1 साल होना है। तो इसको लेकर अभी से ही सरकार अस्वस्थ कर रही है कि हमने जो लक्ष्य रखा है उसके हम करीब पहुंच चुके हैं। जी जी धन्यवाद भैंसू तमाम जानकारी। होली से पहले और चुनावों के तुरंत बाद आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। घरेलू LPG सिलेंडर महंगा हो गया है और आपको घरेलू LPG सिलेंडर 50 रुपए महंगा मिलेगा। बढ़े हुए दाम 1 मार्च से ही लागू होंगे। घरेलू सिलेंडर की कीमतें 8 महीने बाद बढ़ाई गई है। इससे पहले 6 जुलाई को 2022 को दाम बढ़ाए गए थे। बता दें घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कमर्शियल सिलेंडर भी 350 रुपए महंगा हुआ है। होली से पहले महंगाई का बड़ा झटका लगा है। बता दें बढ़े हुए दाम 1 मार्च से ही लागू होंगे। LPG सिलेंडर 50 रुपए महंगा मिलेगा। होली से पहले और चुनावों के तुरंत बाद आम जनता को एक बार फिर से महंगाई का बड़ा झटका लगा है। बता दें घरेलू LPG सिलेंडर महंगा हो गया है और आपको घरेलू सिलेंडर LPG सिलेंडर 50 रुपए महंगा मिलेगा। बढ़े हुए दाम 1 मार्च से ही लागू होंगे। घरेलू सिलेंडर की कीमतें 8 महीने बाद बढ़ाई गई हैं। इससे पहले 6 जुलाई 2022 को दाम बढ़ाए गए थे। लगातार आम जनता की जेब पर भार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई की मार पड़ी है। होली से पहले सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। बता दें LPG सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर भी 350 रुपए महंगा हुआ है। होली से पहले महंगाई का बड़ा झटका लगा है। घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है। लगातार आम जनता को महंगाई की मार पड़ रही है। घरेलू LPG सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से विवेक जुड़े हैं। वहीं गाजियाबाद से प्रवीण हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले लखनऊ से मैं विवेक का रुख करूंगी। विवेक, अगर देखें तो सदन में लगातार सरकार बजट की खूबियां गिना रही है, वहीं होली से पहले महंगाई का बड़ा झटका लगा है जनता को। LPG सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी की गई है। जिस तरीके से केंद्र सरकार तारीख को अपना 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया था और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो सरकार है
सरकार है, उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और संगठन के लोगों से इस बजट की खूबियां बताने को कहा था और सभी मंत्री जो है वो गांव गांव जाकर इस बजट की खूबियां बताएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया और इस बजट अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है, लगभग 7 लाख करोड़ के आकार का यह बजट पेश किया और उसकी खूब खूबियां सदन में गिनाई। वित्त मंत्री ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया, सब इस बजट की बड़ी तारीफ कर रहे थे, हम जनता के बीच भी गए, इस बजट की खूबियां जानी, इस बजट की कमियों के बारे में लोगों से चर्चा की। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि होली आने वाली है, 8 मार्च को होली है और मार्च महीने का आज पहला दिन है और आज से इस मार्च महीने की शुरुआत हो गई है, वित्तीय वर्ष कहते हैं इसको, लेखा जोखा का भी कुछ इम्पोर्टेंट होता है आज के महीने में और आज के महीने की शुरुआत से जो है एक बुरी खबर जो है जनता को मिली है कि महंगाई जो है वो थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिख रही है। होली का त्यौहार है, त्यौहार के समय LPG जो घरेलू LPG है उसका जो उसके जो दाम है वो 50 रुपये तक बढ़ चुके हैं। वो कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो 50 रुपये तक कमर्शियल LPG सिलेंडर के भी दाम बढ़ चुके हैं। इसके पहले देखा जाए कि 6 जुलाई 2022 से घरेलू LPG के दाम लगातार स्थिर थे, सरकार लगातार जो है इसके दाम पर स्थिर कर चुकी थी। 6 जुलाई 2022 के बाद से 1 भी रुपये की बढ़ोतरी घरेलू गैस सिलेंडर में नहीं हुआ था, लेकिन जो कमर्शियल गैस सिलेंडर उसमें बढ़ोतरी होते चली जा रही थी। अब 50 रुपये जिस तरीके से बढ़े हैं और 350 रुपये बड़े हैं आपके कमर्शियल गैस सिलेंडर, इससे जो उपभोक्ता है, जो जनता है, उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है क्योंकि त्योहारों का समय है, त्योहारों में कई प्रकार की खरीदारियां होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं और उन्हीं खर्चों में ये एक और खर्चा जो है उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता के हिस्से में जुड़ चुका है और घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया। मैं आपको बता दूँ लखनऊ में इसकी कीमत अब 1090 रुपये कुछ पैसे हो जाएगी। जी विवेक, हमारे साथ गाजियाबाद से प्रवीण जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगी। प्रवीण, अगर देखें तो 5 सालों में 45% रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है, होली से पहले और चुनावों के तुरंत बाद आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है, कितना असर देखने को मिलेगा आम जनता की जेब में? जी बिल्कुल, देखिए मयूरी आपको बता दूं जिस तरह से 8 महीने बाद जिस तरह से महंगाई बढ़ी है सिलेंडर के ऊपर, बात करें जो घरेलू सिलेंडर है उस पर भी रेट बढ़ा है एकदम से, इतना रेट बढ़ा देना और 50 रुपये और जो कमर्शियल सिलेंडर है उस पर भी 350 रुपये की जो मार पड़ी है। खासतौर पर जो रेस्टोरेंट है, लोग जो खाना पसंद करते थे बाहर रेस्टोरेंट में, कहीं ना कहीं अब उनको सोचना पड़ेगा, अपनी जेब टटोलनी पड़ेगी कि आखिर क्या क्या चीजें महंगी हुई है घरेलू कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने के बाद। अगर बात करें गरीब लोगों की, जो मजदूर लोग हैं जो यहाँ पर NCR में काम करने आते हैं, दूर दूर दराज से यहाँ पर लोग काम करने के लिए आते हैं, उनके पास छोटे सिलेंडर होते हैं जो कि रिफिलिंग कर जो तुर्की का रेट जो आ रहा है इस समय पर, जो कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ा 1769 रुपए था जो कि अब लगभग 2200 के तकरीबन पहुंच चुका है। वहीं अगर बात की जाए 1053 रुपए का जो रेट था घरेलू सिलेंडर का, वो लगभग अब तकरीबन 1103 रुपए का जो हो गया है। कहीं ना अब जो गरीब लोग हैं उनको खासा ध्यान रखना पड़ेगा, अब जो अपनी जेब है उसको देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो बजट होता था उनका घरेलू घरेलू सामान को लेकर, अब उसकी जो है थोड़ा सा और उसको बढ़ाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो होली से पहले जिस तरह से ये जो महंगाई की मार जो आम लोगों पर पड़ी है, कहीं ना कहीं काफी परेशान करने वाली है। अगर बात करें आज विधानसभा का 9वां सत्र भी बुलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर विपक्ष भी वहां पर कहीं ना कहीं तंज कसता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर होगा इस महंगाई को लेकर, खासतौर पर किस तरह से सुबह ही जिस तरह से 1 मार्च से यानी कि आज से ही ये पूरे जो दाम है लागू कर दिए गए हैं, कहीं ना कहीं अब जो है आम जनता को इसका सामना करना पड़ेगा। हालांकि 8 महीने बाद ये रेट बढ़ाए गए, लेकिन रेट जो बढ़ाए गए काफी महंगे रेट हैं, काफी ज्यादा मात्रा में, हालांकि पहले देखे गए तो 2 या 3 या 4 रुपए इस तरह से बढ़ते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इतने ज्यादा महंगे रेट से कहीं ना कहीं लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ सके। जी प्रवीण, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास फिर आऊंगी। एक बार फिर से विवेक का रुख करूंगी मैं। विवेक, अगर देखें होली करीब है और कहीं ना कहीं कोई भी त्योहार आते हैं तो खर्चे बढ़ जाते हैं, जो सबसे बड़ा रोल निभाता है वो सिलेंडर ही होता है और इतना बड़ा ऐलान कर दिया गया है, बढ़ोतरी कर दी गई है, महंगाई कर दी गई है, तो क्या इससे हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं? देखिए सदन की कार्यवाही आज भी जारी रहेगी और सदन में LPG जो प्राइस हाइक है इसका मुद्दा जरूर विपक्ष उठाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार लेके आई थी, जितने भी गांव में जो औरतें हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो चूल्हे पे खाना बनाती थी, उनको
को चूल्हे से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना लाया गया था, गैस सिलेंडर बांटे गए थे, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो जमीनी हकीकत यह है कि गैस सिलेंडर जो है अब वो एक तरफ किचन में रख दिया गया है, क्योंकि उसकी कीमत इतनी हो गई है कि एक आम परिवार जो है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है, जो मध्यम श्रेणी का परिवार है, वो हर महीने इस बढ़े हुए गैस सिलेंडर को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना पे भी एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि केंद्र की सरकार एक बढ़िया योजना लेके आई थी जो चूल्हे पे जो है माताएं बहनें खाना बनाती थी सुबह के साय रात के समय जो उनको तकलीफें होती थी वो उन दुओं से उसको निजात लाने के लिए उज्ज्वला योजना लाई गई। बकायदा गैस सिलेंडर बांटे गए, गैस सिलेंडर भरा के बांटे गए, और इस प्रकार लगातार गैस सिलेंडर में वृद्धि करने के बाद से होली का त्यौहार है, मार्च का महीना है, और खर्चे बढ़ जाते हैं त्यौहार में। हम सब जानते हैं लोग अपने अपने घरों को वापस आते हैं होली दिवाली जैसे त्योहारों में, लोग अपने घर को वापस आके एक साथ सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, और इसमें जब खर्चे बढ़ते हैं तो गैस सिलेंडर का खर्चा भी बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे त्योहारों की अगर बात करें तो स्वादिष्ट पकवान, स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, गुजिया बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और जो बढ़े हुए दाम है वो कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना पर भी सवाल उठा रहे हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने माताओं बहनों को धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना बरकरार की थी, चालू की थी, और उसके बाद जो LPG के दाम बढ़ रहे हैं, 50 रुपये घरेलू कनेक्शन के दाम बढ़ चुके हैं, कमर्शियल के तो बढ़ते रहते हैं, कमर्शियल के दाम अब 2000 से ऊपर हो चुके हैं। वहीं लखनऊ की अगर बात करें तो 1090 रुपये में घरेलू LPG के दाम आएंगे, और एक परिवार एक साल में 12 सिलेंडरों का हकदार होता है। अगर उसका एक सिलेंडर जो है 1 से 1.5 महीने चलता है तो कम से कम 10-11 सिलेंडर वो खरीदता है, और इस प्रकार से लगभग 1100 रुपये वो सिलेंडर के लिए दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल होगा मेरी जी। एक बार फिर से मैं प्रवीण का रुख करूंगी। प्रवीण, अगर देखें तो इससे पहले 6 जुलाई 2022 को ही दाम बढ़ाए गए थे, अब अचानक से फिर से सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई, क्या वजह है ऐसे अचानक से दाम का बढ़ जाना? गिरना तो कहीं ना कहीं अगर कोई इस तरह से मामला आता है सामने तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती है जिसमें बढ़ा दी जाती है। मान लीजिए अगर बाहर से जो गैस की सप्लाई होती है जिस तरह से आती है उसमें अगर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ा दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब जो आदमी है, गरीब तबके का जो लोग हैं उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका जो भी जीवन जिस तरह से चलता है गैस के सहारे ही चलता है, क्योंकि जो लोग आते हैं यहाँ पर कमाने के लिए शहर में और जिस तरह छोटे सिलेंडर का उपयोग करते हैं, जिसको रिफिलिंग कराते हैं बड़े सिलेंडर से, उनके लिए खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ग्रामीण में अभी भी लोग जो है कुछ लोग इस तरह से अगर रेट बढ़ते हैं सिलेंडर के तो कहीं ना कहीं वो लोग चूल्हे का सहारा ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी अब मजबूरी बन गई है गैस सिलेंडर ही, क्योंकि आदत किसी ऐसी पड़ गई है गैस सिलेंडर की, जो कि अब खाना पीना सब कुछ उनसे उसी से ही बनाया जाता है, और त्योहार आने से पहले इस तरह से अगर रेट बढ़ जाना, और साथ ही साथ अभी चुनाव भी है, कहीं ना कहीं इनको भी देखते हुए कहीं ना कहीं जनता जो है इस समय पर क्या मूड बनाती है और विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरेगा ये अभी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जैसे ही सिलेंडर के दाम बढ़े, इतने भारी संख्या में जिस तरह से रेट बढ़े, तो कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष है विपक्ष के लिए बोलने का एक मौका मिल गया है और सरकार के ऊपर तंज कसने का भी मौका मिल चुका है। कहीं ना कहीं अब जो है सरकार को घेरने की बात कही जाएगी। हो सकता है विधानसभा में आज जो जिस तरह सत्र चलेगा उसमें हो सकता है कि विपक्ष जो लगातार योगी सरकार के ऊपर उसको तंज कसे और साथ ही साथ घेराबंदी भी करने की कोशिश करे। जी जी धन्यवाद प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए। विवेक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, होली से पहले और चुनाव के तुरंत बाद आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है, एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। जी मयूरी, बता दूं आपको, कानपुर में देखा है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया पूरा कानपुर है, उद्योग नगरी से जाना जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं देखा है तो एक जो राजनीति का खाड़ा जो देखा है तो उत्तर प्रदेश में देखा है तो कानपुर एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद जिस तरीके से देखा जाए तो आम जनमानस को जो होली की महंगाई की मार पड़ी है वो एक देखा जाए कहीं ना कहीं तो सरकारी तरफ से एक तोहफा मिला है आम जनमानस को कि सिलेंडर कीमत जो है 1064 रुपये से लेकर के आज 1118 रुपये की कीमत हो गई है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें जीएसटी जो है बाउचर में शामिल होने के बावजूद भी सरकार की जो ये आदेश आए हैं इसको लेकर के आम जनमानस में काफी नाराजगी है। उपेंद्र, अगर देखें तो 5 साल में 45% रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई है और फिर से अचानक इस तरह का दाम बढ़ जाना कितना असर पड़ेगा आम जनता की जेब में? जी, मेरे मतलब कि आम जनमानस तो वैसे महंगाई की मार से वैसे परेशान था। उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं अचानक से अभी बजट पारित हुआ था उसमें देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ तो उनके साफ जो उनके मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था सिलेंडर की महंगाई है 223 रुपये कुछ कम करने की बात कही गई थी बजट में, पर देखा जाए कहीं ना कहीं अचानक से वो भी लागू नहीं हुआ और उसके बाद महंगाई जो 50 रुपये बढ़ा दी गई है एलपीजी पे। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमर्शियल सेंटर पर 350 रुपये बढ़ाने के बाद देखा जाए तो व्यापारियों पर भी जो है खासा असर देखने को मिलेगा। उपेंद्र, अगर देखें तो त्योहार नजदीक है, होली करीब है और कहीं ना कहीं देखें तो तमाम चीजों के दाम बढ़ेंगे, फिर चाहे वो मिठाइयों के हो और इस तरह सिलेंडर के दाम बढ़ जाना, क्या हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं? जी मयूरी, बिल्कुल देखा जाए कहीं ना कहीं विपक्ष को पूरा मौका मिल चुका है कि जिस तरीके देखा है तो सदन में जब बजट पारित हो रहा था उसको लेकर के सरकार जो है अपने ही बातों पर जो है पूरी तरीके से घिरती नजर आ रही है। और देखा जाए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं देखा है तो उसका प्रदर्शन लेकर के हंगामे की सूचना पूरी तरीके से अभी आ चुकी है। जी धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। घरेलू सिलेंडर की कीमतें 8 महीने बाद बढ़ाई गई हैं। इससे पहले 6 जुलाई 2022 को दाम बढ़ाए गए थे। राधे, लगातार सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की जा रही है। होली से पहले आम जनता को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। गैस वितरण कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपये बढ़ा दी गई है। रसोई सिलेंडर में ये इजाफा करीब 8 महीने बाद देखने को मिला है। बता दें 50 रुपये महंगा कर दिया गया है। दिल्ली में अब ये 1103 रुपये मिलेगा। गौरतलब है कि अभी इसका दाम 1053 रुपये था। इसी तरह मुंबई में यह सिलेंडर 1052 रुपये के बजाय 1102 रुपये में बिकेगा। मार्च का महीना शुरू हो चुका है और महीने की शुरुआत में ही आम लोगों को झटका लगा है। होली के ठीक पहले घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया है। दरअसल घरेलू एलपीजी सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बड़ी वृद्धि हुई है। 8 महीने बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम 350 रुपये बढ़ गए हैं। यहां चर्चा कर दें कि 6 जुलाई 2022 के बाद से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम स्थिर थे। इस बढ़ोतरी के बाद आम जनता को होली के पहले महंगाई का बड़ा झटका लगा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजन सोनकर हमसे जुड़ेंगे। राजन, मार्च का महीना शुरू हो चुका है और महीने की शुरुआत में ही आम जनता को बड़ा झटका लगा है। घरेलू सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। देखिए बिल्कुल मयूरी, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और इस समय घर चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, हम उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि बढ़ते सिलेंडर के दामों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, परिवार को किस तरीके से वो पाल पोस रहे हैं और किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश जी, बताइए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, घरेलू सिलेंडर पे भी, कॉमर्शियल सिलेंडर पे भी, इस पर आपका क्या कहना है? रसोई में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे सामान में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बजट थोड़ा बैलेंस बिगड़ रहा है, बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। पहले सिलेंडर कैसा, कितनी कीमत का था? 590 में सही था, 590
75 में था जब तो बैलेंस ठीक था, अब ज्यादा दोगुनी कीमत बढ़ गई है, ज्यादा ही बढ़ गई है, तो थोड़ा बजट तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो किस तरीके से बच्चों को पाल रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में महंगाई कम होगी क्या होगी, योगी सरकार से क्या उम्मीद है? योगी सरकार से यही उम्मीद है कि थोड़ा सा हमारी महिलाओं के लिए थोड़ा सा सोचे, बस यही उम्मीद है। तो जो आपकी रसोई का बजट है वो बिगड़ गया है? बिल्कुल। आपका क्या कहना है बताइए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, 1100 रुपए से ऊपर सिलेंडर हो चुका है, पहले एक समय वो था जब सिलेंडर कम कीमत पे मिलता था, दाम बढ़ गए, क्या कहना चाहते हैं? यही है, सिलेंडर के पैसे कम होने चाहिए, रोटी बनाए। बिल्कुल। हाँ नहीं, योगी सरकार तो जब आई थी तो कहा था कि महंगाई पर भी कंट्रोल होगा, हर चीज पर कंट्रोल होगा, महंगाई बढ़ रही है तो क्या लगता है? आटा है देखो, फिर भाव बढ़ा, दाल देखो फिर भाव, सब्जी लेने जाओ तो सब्जी के कोई पैसे नहीं, भाव इतने हो रहे हैं, कहाँ से बनाएंगे रोटी, यहाँ तो गैस भरवाएंगे रोटी बनाएंगे। तो परिवार को किस तरीके से पाल रहे हैं? तो वो तो चूल्हा फूकना होगा, तो ईंधन लाएंगे चूल्हा फूकेंगे, चूल्हा लाएंगे चूल्हे के लिए ईंधन फूकेंगे, क्या कहना चाहते हैं योगी सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? जैसे पहले का सिलेंडर 500 से इतने नहीं होना, मतलब बजट जो है बिगड़ गया है, बच्चों को किस तरीके से पाल रहे हैं? बिल्कुल मयूरी, देखिए सिलेंडर के दाम बढ़ने पर यहाँ पर परेशानी खड़ी हो गई है, लोगों को अपना परिवार चलाने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि योगी सरकार को इन्होंने यही सोचकर वोट दी थी कि महंगाई और अपराधों पर अंकुश लगेगा, लेकिन वही दूसरे तरीके से बढ़ता जा रहा है। और एक युवा हो रहे हैं हमारे साथ में जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, हम इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। भैया किस तरीके से परिवार को पाल रहे हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, 1100 रुपए से ऊपर का सिलेंडर हो गया है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सरकार ने 1100 रुपए से ऊपर का सिलेंडर कर दिया है, तो क्या लगता है कि ये सही है? परिवार को किस तरीके से पाल रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए, तो बिल्कुल मयूरी देखिए, सिलेंडर के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं उस तरीके से लोगों का परिवार चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, और उनका यही कहना है कि सिलेंडर के दाम जो है वो घटने चाहिए, ताकि उन्हें अपने परिवार को चलाने में जो परेशानी आ रही है वो ना आ सके, और योगी सरकार से वो यही मांग कर रहे हैं। जी जी धन्यवाद राजन तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।